वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉटनी। ठीक है, बॉटनी का आपका थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा थर्ड क्वेश्चन है बॉटनी का आपका, बॉटनी और आपका है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो इसमें हमने एक से दो तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, जितना ज़्यादा लिखोगे नंबर उतना ज़्यादा मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। थर्ड कह रहा है, केवल नामांकित चित्रों की सहायता से मर्केंशिया के जीवन चक्र को समझाइए। ठीक है, नामांकित चित्रों की सहायता से, केवल चित्र पूछ रहा है आपको, नाम उनके नाम भी लिखने हैं। या आपसे क्या पूछेगा, अथवा। ठीक है, इसी को कह रहा, आवश्यक चित्रों की सहायता से किसी अध्ययन किए गए ब्रायोफाइट, या ब्रायोफाइट इसी को, ये मर्केंशिया जो है वो ब्रायोफाइट के अंतर्गत आता है, कि जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो किसी अध्ययन किए गए, यानी कि जिसका आपने अध्ययन किया हो कोई ब्रायोफाइट, तो सबसे अच्छा क्या है आपका, मर्केंशिया। इसी का आपको क्या करना है, जीवन चक्र का वर्णन करना है। अथवा, तो आपसे फिर पूछ लेगा अथवा। कह रहा, मर्केंशिया के नर एवं मादा जननांगों की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, मर्केंशिया के नर एवं मादा जननांगों की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको तीन तरह से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो मर्केंशिया क्या होता है, ब्रायोफाइटिक पौधा होता है। ठीक है, क्या होता है, एक पौधा होता है जिसको ब्रायोफाइटा वर्ग में रखा गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मर्केंशिया की। कह रहा, मर्केंशिया का मुख्य पौधा गैमिटोफाइट होता है। कैसा होता है, गैमिटोफाइट, जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या बनता है, गैमिट का फॉर्मेशन होता है। वो गैमिट कैसा होता है आपका, हैप्लोब्लास्टिक। कैसा होता है, हैप्लोब्लास्टिक, यानी कि आगुणित, आगुणित। ठीक है, थैलस के डोर्सल साइड पर मिड रिब तथा गैमा कप पाए जाते हैं, गैमा कप पाए जाते हैं आपके। कह रहे हैं वेंट्रल साइड पर दो प्रकार के राइजॉइड, स्मूथ वाल्ड तथा ट्यूबरकुलेट, और दो प्रकार के स्केल्स जिसे क्या कहते हैं, लिगुलेट कहते हैं, तथा अपेंडिकुलेट पाए जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार के आपके स्केल जैसे लिगुलेट और अपेंडिकुलेट कहते हैं। मर्केंशिया में जनन सेक्सुअल, जिसे जेमा का, जिसमें जेमा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेमा का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेमा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें जनन असेक्सुअल होता है तथा आपका कैसा होता है, सेक्सुअल, दोनों प्रकार का जनन इसमें पाया जाता है। करण, नर जननांग जो आपके मेल पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एंथीरिडिया, क्या होता है, एंथीरिडिया होता है। और मादा जननांग की बात करें तो वो क्या होता है आपका, आर्किगोनिया। ठीक है, क्या होता है, आर्किगोनिया। करण, मर्केंशिया की सभी जातियां एक लिंगी होती हैं। कैसी होती हैं, एक लिंगी होती हैं, और सेक्स ऑर्गेन का फॉर्मेशन क्रमशः क्या होता है, एंथीरिडियो फोर पर होता है। क्या होता है, एंथीरिडियो फोर और आर्किगोनियो फोर, एंथीरिडियो फोर और आर्किगोनियो फोर पर होता है, किसका, सेक्स ऑर्गेन का फॉर्मेशन। तो ये आपको याद रखना है, एंथीगोनियो फोर और आर्किगोनियो फोर, जो आपका एंथीरिडियो फोर होता है वो किसका होता है आपका, नर जननांग का होता है। ठीक है, और जो आर्किगोनियो फोर होता है वो किसका होता है, मादा जननांग का होता है। ठीक है, करे, प्रत्येक एंथीरिडियो फोर के दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, दो, एक क्या होता है स्टाक, दूसरा क्या होता है डिस्क। अब कह रहा है डिस्क पर, किस पर, डिस्क पर एंथीरिडिया और एंथीरिडियल चैम्बर में डेवलप होती है। डिस्क पर क्या होता है, एंथीरिडिया और यही एंथीरिडियल चैम्बर में डेवलप हो जाती है। ठीक है, वृद्धि कर जाती है। कह रहा है प्रत्येक एंथीरिडियम के दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, इसके द्वारा से दो भाग होते हैं प्रत्येक एंथीरिडियम के, क्या होता है, स्टाक और बॉडी। क्या होता है, स्टाक और बॉडी। तो यहाँ पर बॉडी में क्या होता है, बॉडी में सिंगल लेयर्ड स्टेराइल होता है। क्या होता है, सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट पाया जाता है। ठीक है, केवल एक ही लेयर्ड सिंगल स्टेराइल जैकेट होगा आपका। कह रहा है जो क्या करता है, एंडेरोसाइट्स, क्या करता है, एंड्रोसाइट्स को घेरे रहता है। ठीक है, प्रत्येक एंडेरोसाइट्स के मेटामॉर्फोसिस से, किससे, प्रत्येक एंडेरोसाइट के मेटामॉर्फोसिस से जो एंडेरोसाइट्स को घेरे रहता है, और प्रत्येक एंडेरोसाइट्स के मेटामॉर्फोसिस से क्या होता है, यूनिसेलुलेट, क्या होता है, यूनिन्यूक्लियेट। ठीक है, यूनिन्यूक्लियेट यानी कि एक कोशिकीय, कैसा होगा, एक केंद्रकीय। ठीक है,
और कैसा था, वाई फ्लैजलेट जिसमें दो कसाब हो, कितने हो, दो कसाब गति करने के लिए, और एंथीरियोजाइट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, बाई फ्लैजलेट एंथीरियोजाइट बन जाते हैं। तो ये है इसका कुछ जीवन चक्र, ठीक है, लाइफ साइकिल। तो केवल आपको यही बताना है। तो लाइफ साइकिल इसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, ये आपका एक यंग थैलस है, ठीक है, यंग थैलस से क्या बन जाता है, एक मेल, और दूसरा क्या बन जाता है, फीमेल थैलस, ठीक है, एक मेल और दूसरा क्या है, फीमेल थैलस हमने ले लिया यहाँ पर। तो इसकी अगर हम बात करें, ये आपका दिखाई दे रहा है ना इतना, ये आपका क्या है, मेल थैलस है, ये आपका इधर वाला क्या है, फीमेल थैलस है, ठीक है। तो फीमेल थैलस, मेल थैलस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एंथीरिडियम होता है, क्या होता है, मेल थैलस में एंथीरिडियम होता है सेक्स ऑर्गेन, और फीमेल थैलस में क्या होता है आपका, आर्किगोनियम होता है सेक्स ऑर्गेन, ठीक है। अब यही, इसके दो भाग होते हैं, कौन सा होता है, स्टाक होता है, दूसरा कौन सा होता है, बॉडी होता है, स्टाक और बॉडी। अब यही क्या करता है, यही आगे बढ़ के क्या करता है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है एक एंथीरिजॉइड, क्या बनाता है, एंथ्रोजॉइड बनाता है, जो कैसा होता है, बाई फ्लैजलेटेड होता है, कैसा होता है ये, इसमें ये दो आपको फ्लैजेला दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये दो फ्लैजेला है, तो कैसा होता है ये, बाई फ्लैजलेटेड होता है। ये किसकी बात है, आपके मेल थैलस की बात है, यहाँ तक बन गया। अब क्या होता है, फीमेल थैलस की अगर हम बात करें तो इसके भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से, डिस्क और बॉडी, बॉडी बॉडी और स्टाक, इस ये मेल फीमेल्स में बॉडी और स्टाक होता है, लेकिन इसमें क्या होता है आपका, डिस्क होता है, क्या होता है, डिस्क और स्टाक, ठीक है। अब इसके दोबारा से कितने भाग होते, तीन भाग होते, एक क्या होता है आपका, नेक, नेक, और दूसरा क्या होता है, बेंटर, और यहीं पर एक आपका होता है एग, ठीक है, क्या होता है आपका, एग होता है, ठीक है, इसको उल्टा करके रख लो, ये क्या होता है आपका, एग। तो इसके तीन भाग होते हैं। अब आगे क्या होगा, ये क्या है, एग इनसाइड मेचर आर्किगोनियम, ये जो एग है वो कहाँ है, मेचर आर्किगोनियम के अंदर है, एग कहाँ है, मेचर आर्किगोनियम के अंदर है। अब क्या होगा, जो एंथीरियोजाइट बना था बाई फ्लैजलेटेड, ये गति करके कहाँ पहुंच जाएगा, ये कुछ यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, गति करके कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा, ये एंथीर आर्किगोनियम के जो खुला हुआ भाग है वहां पर पहुंच जाएगा, और इसी में एक लसलस चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, म्यूसिलेज कहते हैं, क्या कहते हैं, म्यूसिलेज कहते हैं। ये उससे जाके चिपक जाता है और धीरे धीरे ये अंदर की ओर बढ़ता जाता है, जहां एग रहता है उससे क्या करता है, क्रिया करता है, ठीक है, क्या करता है, क्रिया करता है, और उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सिनगैमी, क्या कहते हैं, सिनगैमी। उसके बाद इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, इसमें एक जाइगोट का निर्माण बनता है, ये इस तरह से क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है, ठीक है, क्या बनता है, जाइगोट। अब जाइगोट आगे क्या होता है इसका, ये टू सेल्ड, क्या है, टू सेल्ड, यानी कि दो कोशिकाओं वाला एक भ्रूण है, ठीक है, एम्ब्रियो, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये टू सेल्ड एम्ब्रियो। अब ये पूरी प्रक्रिया आपकी दो भागों में पूरी होती है, एक तो होती है गैमेटोफाइट, जिसे क्या कहते हैं, एन, क्या, एन यानी कि हैप्लाइड, ठीक है, ये कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी आपकी इधर वाली, यहाँ के बाद जो प्रक्रिया होती है आपकी, ये कैसी होती है आपकी, स्पोरोफाइट। तो इतनी प्रक्रिया अभी हमने देखी थी, ये कैसी थी आपकी, ये थी आपकी गैमेटोफाइटिक प्रक्रिया, ये कौन सी आपकी, स्पोरोफाइटिक प्रक्रिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ एन, एन मतलब क्या है आपका, हैप्लोब्लास्टिक, एन से कहाँ पहुंचा है, डिप्लोब्लास्टिक में पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है, डिप्लोब्लास्टिक में, यानी कि इनके पास, दोनों के पास एक एक था, क्या था, दोनों कैसे थे, अगुण, दोनों के पास एक एक एन था। अब ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ये जो बनेगा ये कैसा होगा आपका, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, कैसा होगा, टू एन वाला भाग होगा ये, ठीक है, इसको कहते हैं स्पोरोफाइट, ये पूरी प्रक्रिया स्पोरोफाइट में खत्म होगी। तो ये टू सेल्ड एम्ब्रियो बन जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, दो सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, चार, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट स्टेज, इसमें चार कोशिकाएं आपकी, एक दो तीन चार, चार सेल्स बन जाती है। अब ये क्या होगा, थोड़ा यंग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो ये थोड़ा हल्का सा आपका बड़ा हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, इस यंग स्पोरेंजियम, क्या कहते हैं, यंग स्पोरेंजियम। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये दीवार आपकी, ये जो भित्ति है इसकी, सेल वॉल है मान लो, ये क्या होगा, एक समय ऐसा आ जाएगा ये अधिक बड़ा हो जाएगा, और ये आपकी क्या हो जाएगी, फट जाएगी, क्या हो जाएगी, फट जाएगी। फटने के बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका एक स्पोर बाहर निकल आएगा, क्या, कोई एक स्पोर आपका यहाँ से बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इसे इलेटर्स कहते हैं, यहाँ से कोई एक स्पोर आपका बाहर निकल आएगा, ठीक है,
जब ये स्पोर बाहर निकलाएगा तो इसी स्पोर को क्या मान लिया, मदर सेल मान लिया, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी आगे बढ़ती है, ठीक है, यहीं से पूरी कहानी आपकी आगे बढ़ती है, ठीक है। ये क्या है, एल एस, यानी कि एल एस स्ट्रक्चर है इसका, स्पोरोगोनियम का। कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। इसका क्या होता है, आपका मियोसिस, इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि इसके नाभिक में जो जो होगा वो आधा आधा दो भागों में बट जाएगा, और दो नाभिक इसके बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे, चार बन जाएंगे, ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद, मियोसिस प्रोसेस होने के बाद, ये कैसा बन जाएगा, ये आपका स्पोर बनेगा, लेकिन कैसा होगा, टेट्रेड, इसमें तीन आपको कोशिकाएं देखने को मिल जाएंगी। अब इन तीन कोशिकाओं में से हमने किसी एक कोशिका को ले लिया, किसको, कोई एक कोशिका हमने ले लिया, जिसे हमने क्या कह दिया, स्पोर कह दिया, ठीक है, कोई एक स्पोर। अब ये स्पोर धीरे धीरे क्या कर जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा, धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, ठीक है, जर्मिनेट कर जाएगा, और धीरे धीरे जर्मिनेट करने के बाद एक अवस्था ऐसी आएगी जिसे हम क्या कहेंगे, यंग थैलस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यंग थैलस बन जाएगा, और यहाँ पर आकर इसकी पूरी कहानी खत्म हो जाती है, यंग थैलस बन जाता है। अब यहीं से क्या, दोबारा से एक मेल पार्ट ले लो, एक फीमेल पार्ट ले लो, और ये प्रक्रिया पूरी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। इधर वाली प्रक्रिया आपकी क्या है, जहाँ तक, जहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि सिनगैमी प्रोसेस हो रही है, वहां तक की पूरी प्रक्रिया क्या है आपकी, गैमिटोफाइट, यानी कि ये कैसी है, एन है, ठीक है, डिप्लो हेप्लोब्लास्टिक है। इधर वाली पूरी प्रक्रिया, यहाँ से यहाँ तक की पूरी प्रक्रिया कैसी है आपकी, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि टू एन, द्विगुणन, एक एक एन यहाँ से मिला आपस में, क्या बन गया, टू एन बन गया। तो ये तो है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइफ साइकिल मर्केंशिया। इसमें थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, इस पे थोड़ी नज़र डाल लो, लिखा कुछ नहीं, जो उसमें बताया गया है स्ट्रक्चर में, जिस तरह से बताया है बिल्कुल वही लिखा हुआ है, आपको इसको पढ़ना है, स्ट्रक्चर को समझते जाना है, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक आर्किगोनियोफोर के दो भाग होते हैं, ठीक है, कौन सा होता है, स्टाक और डिस्क। कह रहा है डिस्क पर 8 रेज, यानी कि 8 रेज डेवलप्ड होती हैं, आर्किगोनियल रेज पर आर्किगोनिया का विकास होता है, जो आर्किगोनियल रेज होते हैं उन पर ही आर्किगोनिया बनता है। और कह रहा है प्रत्येक आर्किगोनियम के दो भाग होते हैं, प्रत्येक आर्किगोनियम के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, कौन कौन से, नेक, विंटर, और एक तीसरा और होता है इसका, एग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, एग कहते हैं, ठीक है। नेक से क्या बनता है, कवर सेल, तथा नेक से कवर सेल, तथा नेक कैनाल सेल, और विंटर से विंटर कैनाल सेल, तथा एग होते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज हो गई, नेक से क्या बनेगा आपका, कवर सेल, तथा नेक कैनाल सेल, और बेंटर क्या बनेगा, बेंटर कैनाल सेल और एग होते हैं। कह रहा है जब आर्किगोनियम, आपका जो आर्किगोनियम होता है वो मेच्योर हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो नेक कैनाल सेल और बेंटर कैनाल सेल के डिसऑर्गेनाइज होने से, यानी कि उसके फटने से क्या होता है, म्यूसिलेजिनस सबस्टेंस का सिक्रेशन होता है, यहाँ से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे म्यूसिलेनेजस कहते हैं, ठीक है। कह रहा है म्यूसिलेज से म्यूसिलेज में रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एंथिरोजाइड को नेक की ओर अट्रैक्ट करते हैं, अभी देखा था ना, जो बायफ्लेजिलेटेड था उसको क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और कह रहा है प्रोसेस कीमोटैक्टिक कहलाती है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कीमोटैक्टिक कहते हैं। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर आवश्यक होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। कह रहा फर्टिलाइजेशन होने से डिप्लॉयड जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन डिप्लॉयड जायगोट का बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, उससे पहले क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, यानी कि सिंगल उसमें जायगोट होता है, ठीक है। और स्पोरोफाइटिक जनरेशन शुरू हो जाती है, उसके बाद जो जनरेशन शुरू होती है उसको कहते हैं स्पोरोफाइटिक, ठीक है। कह रहा है जायगोट 2N में कई डिविजन्स होते हैं, यंग स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होता है, जायगोट जो आपका 2N होता है उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उसके बाद क्या होता है आपका यंग स्पोरोफाइट बनता है, ठीक है। मर्केंसिया में स्पोरोफाइट के तीन भाग होते हैं, फुट सीटा और कैप्सूल होता है। स्पोरोफाइट की प्रोटेक्शन के लिए जो कैलिप्टरा होता है, पेरिजेनियम होता है, तथा पेरिसिटियम होता है, लेयर्स पाई जाती है, तीन लेयर्स पाई जाती हैं आपकी, कौन सी, कैलिप्टरा और पेरिजेनियम, और आपकी क्या होती है, पेरिसिटियम,
सीटियम, ठीक है, पेरिसीटियम। स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट आर्किगोनियो फोर पर होता है, किस पर होता है, आर्किगोनियो फोर पर होता है। कैप्सूल में दो वॉल लेयर होती है, ठीक है, दो वॉल लेयर कैप्सूल में आपकी पाई जाती है। और आपका एम्फीथीसियम तथा एंडोथीसियम, एम्फीथीसियम क्या होता है आउटर वॉल और एंडोथीसियम क्या होता है आपका इनर वॉल। एम्फीथीसियम से कैप्सूल वॉल और एंडोथीसियम से आपका क्या होता है स्पोर मदर सेल, क्या होता है स्पोर मदर सेल, जो कि कैसी होती है आपकी डिप्लोब्लास्टिक और इलेटर से डेवलप होते हैं, ठीक है, इलेटर से आपके डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, थोड़ा सा रह गया बस, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है स्पोर्स मदर सेल 2N में मियोसिस होने से अब क्या होगा, जो स्पोर्स मदर सेल थी उसमें 2N में मियोसिस होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, इससे स्पोर्स स्पोर्स टेट्रेड एक्स का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है स्पोर्स टेट्रेस, अभी देखा था ना जिसमें तीन आपको दिखाई दे रहे थे कुछ इस तरह से, स्पोर्स टेट्रेस का फॉर्मेशन हो जाता है। इलेटर्स इलेटर्स स्पोर के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक स्पोर मदर सेल से मियोसिस द्वारा फोर स्पोर्स यानी कि एक्स एक्स चार बार बनाते हैं, जिसमें से दो स्पोर्स में मेल थैलस का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार आपका मर्केंसिया के जीवन की जो साइकिल है या लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो इसको जो चित्र बना हुआ है, स्ट्रक्चर दे रखा है, उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, दो तीन बार रिवीजन कर लेना है, बना के देख लेना है। और ये वही है जो कि स्ट्रक्चर में कहानी हुई है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, वही लिखा है जो कि उसमें कहानी पड़ी है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको इससे कोई और भी मैटर चाहिए तो इसकी एक साइट है www.paperhacker.in पर जाकर आप सर्च करेंगे, वहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, सभी प्रकार के जो वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएंगी, और आपको क्या नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, और PDF फॉर्म भी मिल जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को कर देना लाइक, ठीक है, थैंक यू।